जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी। आज मैं आपके सामने कन्या राशि का वार्षिकफल 2021 में किस तरह से इनका व्यवसाय रहेगा, किस तरह इनका 2021 जाएगा, पूरा वार्षिकफल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2021 कन्या राशि के लिए बहुत ही भाग्यवान या सफलतापूर्वक यह राशि 2021 की बन रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आपकी कुंडली का तीसरा भाव राहु पीड़ित होगा, वहां तीसरा भाव राहु बैठेगा, तो आपके जीवन में भी उथल पुथल होगी। अगर आप दान पुण्य और धर्म करते हैं तो राहु आपको कुछ भी नेगेटिव फल नहीं देगा। आप अच्छे कर्म कीजिए। 2021 को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तीसरा भाव कन्या का होगा और भाग्य का फल जो छठा घर होता है वह इस बार बृहस्पति से भरा हुआ रहेगा। बृहस्पति रहेंगे उस घर के अंदर, लेकिन बृहस्पति आपको अपने भाग्य के अनुसार फल जरूर देंगे जब आप बृहस्पति को अच्छा करवाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाते रहिए, जिससे आपके जीवन में आ रहे समस्याएं समाधान मिलेगा उसके अंदर। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, आपके वर्ष पर्यंत तक शनि महाराज की दृष्टि है, शनि की महादशा आप में कुंडली पे विराजमान है। इस बार शनि जो पद पे है वह है ताम्र पद पे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हनुमान जी की सेवा कीजिए, शनि स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। आप बृहस्पति इस बार आपके कन्या राशि के बृहस्पति है, वह रजत यानी चांदी के पाए पे है। आपके इस वर्ष 2021 में विवाह अवश्य होगा। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही कन्या राशि वालों के, तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके मकान के कार्य रुक चुके हैं या मकान ही नहीं बन रहा है, तो इस वर्ष 2021 में आपको मकान का भी सुख मिलेगा। आप चाहते हैं कि कन्या राशि वाले लोग कि हम बिल्कुल ही निडर हैं, लेकिन इस वर्ष आपको भय व्याप्त होगा, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर आपका केतु है और दूसरा भाव का केतु आपको डर से व्याकुल करता है। हर चीज में आपको डर करता है कि ये चीज होगी, मेरे दुश्मन शत्रु हैवी रहेंगे, आपके इस बार शत्रु ज्यादा बनेंगे। इसलिए अपनी वाणी पे भी संयम रखिए। आप अपने से ज्यादा किसी और पे विश्वास बिल्कुल ना करें। यहाँ प्रेम या दूसरी चीज में पार्टनरशिप पे अवश्य ही कन्या राशि वालों को धोखा मिल सकता है। स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि महाराज इस बार ताम्र पद पे है, इसलिए आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप अपने पेट की बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ वायु तत्व थोड़ा खराब होने की आशंका जरूर है। आपको करना क्या है उपाय, व्यापार के लिए आप शनि महाराज को एक मुट्ठी काले उड़द अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉक उतार के शनि देव को चढ़ा सकते हैं, या हनुमान जी के पास आप रख सकते हैं, जिससे आपका शनि बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूं आप पाव भर या 1.25 किलो जितने आप उड़द, काले उड़द की दाल अवश्य गरीब को दान कीजिए। उसके पेट में जाते ही वह अनाज, उसकी दुआ आपको अवश्य ही लगेगी। ऐसे दान धर्म कीजिए। मंदिरों के दान धर्म डब्बे तो बहुत भर दिए, आप किसी गरीब का मन भर के देखिए, तुरंत ही फल मिलेगा आपको। आपको इस वर्ष बुध की दशा बैठेगी। बुध आपको राहु जो होता है ना, वह बुध से संपरीत होता है, जो आपको कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक कुछ ना कुछ दुर्घटना का भी योग बना देता है, आकस्मिक धन का भी लाभ कराता है। लेकिन जहां बुध ठीक होता है वहां पूंजी हमेशा आती है, यानी धन अवश्य ही आता है। आप पन्ना पहनिए, जिससे आप एनालाइज कुंडली का करके ही पन्ना को, मतलब आप बुध का नंग धारण अवश्य कर सकते हैं। आप कन्या राशि वाले कुत्तों की और गायों की सेवा अवश्य कीजिए, जिससे आपको सर्वधर्म का भी सुख मिलेगा। या आप गाय की सेवा करते हैं ना, तो आपके सारे ग्रह अच्छे और सुरक्षित रहते हैं। घर की पहली रोटी, उसके अंदर थोड़ा सा घी और शक्कर डाल के गाय माता को जरूर खिलाइए, और वो भी सफेद गाय। सफेद गाय ना मिले तो आप कुत्ते को भी वह रोटी खिला सकते हैं, जिससे आपके ग्रह बहुत ही अच्छे रहेंगे। बुध को ठीक करने के लिए आप थोड़े से मूंग को सीधे हाथ से इस तरह से रगड़ कर कबूतरों को खिलाइए, बुध भी अच्छा होगा और रुका हुआ पैसा भी आपका अवश्य आएगा। इस बार शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप मेन निवार
ले तक आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको वापस निराशा हाथ लग जाए, ऐसा नहीं करना है। मेहनत कीजिए, जितनी हो सके प्रयास कीजिए, प्रयास करोगे तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। कन्या राशि का यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। माँ भगवती ग्रुप से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री महाकाल।